दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश कांग्रेस के राज्य महासचिव एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 24 फरवरी को बिलासपुर के मंडी मानवा में हुए जानलेवा हमले के 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को पुलिस ने लोअर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 12 मार्च तक जुडिशियल रिमांड मिला है। वर्तमान समय में बंबर ठाकुर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचाराधीन है। इस मामले में 3 आरोपियों ने शिमला माननीय हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। इन 3 आरोपियों का फैसला न्यायालय ने फिलहाल रिजर्व रखा है। इसमें 24 तारीख और 25 तारीख को कुल जो 8 आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया था और जिन्हें समय समय पर न्यायालय में पेश किया गया है और माननीय न्यायालय ने पिछले कल ये 8 आरोपी है इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। इसके अलावा 3 आरोपियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत के लिए एक दरख्वास्त दी है और जिसकी जो है सुनवाई भी पिछले कल ही माननीय उच्च न्यायालय में हुई है और माननीय न्यायालय ने जो है इस पर इसकी जो सुनवाई है उसको रिजर्व रखा है, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके अलावा जो भी अन्य जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है, उनके घरों में जो है रेड की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।